स्टूडेंट स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों अब तक हमने कितने लेसन कंप्लीट कर लिए, यानी कि कितने लेसन सीख लिए? लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लेसन तक सीख लिए हैं। आज हम लेसन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट लेसन कौन सा है? मी एंड माय हेल्थी हैबिट्स, उसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो उसके लिए आप सबको पेज नंबर 13 ओपन करना है। बच्चों आप सब लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर ध्यान से सुनना। फर्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प योर मदर? बच्चों आप अपने मदर यानी कि मम्मी को किस तरह से हेल्प कर सकते हो? आगे हम लेसन में सीखा था ना बच्चों कि हम अपने मम्मी को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प अवर मदर टू पैक लंच बॉक्स, अरेंज स्कूल बैग्स, कीप अवर रूम क्लीन एट्सेट्रा। हम अपना लंच बॉक्स खुद पैक कर सकते हैं, हम स्कूल बैग अरेंज यानी कि सारी बुक्स स्कूल बैग में डालने में हम हेल्प कर सकते हैं, और हम हमारा रूम क्लीन यानी कि साफ सफाई रखने के लिए भी हम अपनी मदर को हेल्प कर सकते हैं। तो किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं? लंच बॉक्स पैक करने में, स्कूल बैग अरेंज करने में और अपना रूम क्लीन करने में हम अपने मदर को हेल्प कर सकते हैं। बच्चों आप सबको भी अपने मदर को हेल्प करना चाहिए। 2 नंबर, वॉट शुड यू डू इन द प्ले ग्राउंड? बच्चों आप प्ले ग्राउंड में क्या करते हो? वी शुड प्ले सेफली एंड बी फ्रेंड्स विथ एवरी वन इन द प्ले ग्राउंड। बच्चों हमें प्ले ग्राउंड में क्या करना चाहिए? देखो, वी शुड प्ले सेफली यानी कि हमें सेफली खेलना चाहिए यानी कि सुरक्षित खेलना चाहिए, किसी को भी हमारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड बी फ्रेंड्स विथ एवरी वन इन द प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड में जितने भी खेल रहे हैं उसके साथ हमें फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती और झगड़ा नहीं करना चाहिए और सुरक्षित तरीके से खेलना चाहिए। बच्चों ये आप सबको याद रखना है। 3 नंबर, वाई शुड वी ईट द फूड कुक्ड एट होम? बच्चों हमें घर में बनाया हुआ खाना ही क्यों खाना चाहिए? हमने लेसन में पढ़ा था ना, बाहर जो खाना मिलता है वो अनहेल्दी होता है और नरिशिंग यानी नरिशिंग भी नहीं होता है और उसमें जम्स वगैरह होते हैं, तो हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ईट द फूड कुक्ड एट होम एज इट इज़ नरिशिंग एंड हेल्दी। हमें घर का बनाया हुआ खाना ही खाना चाहिए क्योंकि वो नरिशिंग यानी कि पौष्टिक एंड हेल्दी भी होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हमें घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। बच्चों तो ये लेसन नंबर 1 था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अब हम आगे के लेसन देखते हैं। बच्चों लेसन नंबर 2, 3 और 4 में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, फिल इन द गैप्स और ट्रू और फॉल्स वगैरह है। डायरेक्ट हम लेसन नंबर 5 पे आते हैं, प्लेसेस अराउंड मी यानी कि हमारे आसपास की जगह, उसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उसके लिए आप सबको पेज नंबर 32 ओपन करना है। वहाँ पे फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? वॉट इज अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी क्या होता है बच्चों? अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बोरो बुक्स मैगजीन्स फॉर अ लिमिटेड टाइम बाय पेइंग अ स्मॉल फी। बच्चों लाइब्रेरी क्या होता है? वो ऐसी प्लेस है जिसमें हम बुक बोरो बुक्स यानी कि बुक हम उधार ले सकते हैं और मैगजीन भी हम लिमिटेड टाइम के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें छोटी सी फीस पे करनी होती है, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी में से बुक हम घर ले जा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उसकी टाइम लिमिट है वो भी होती है और उसके लिए हमें फीस भी पे करनी होती है, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, वॉट इज एन ATM? बच्चों ATM क्या होता है? एन ATM इज एन ऑटोमेटिक मशीन दैट अलोज पीपल टू विड्रॉ देयर मनी एनी टाइम एनी वेयर इन द कंट्री। बच्चों ATM क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन है जो हमें पैसे विड्रॉ यानी कि उसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं एनी टाइम यानी कि हम कोई भी टाइम पे पैसे निकाल सकते हैं और हम कंट्री में कहीं पे भी हम ये ATM में से पैसे निकाल सकते हैं, उसे ATM कहते हैं। 3 नंबर, वॉट डू वी लर्न वेन वी विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस? हम जब हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि ऐतिहासिक स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? बच्चों वेन वी विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस वी लर्न अ
लॉट अबाउट अवर कंट्री एंड इट्स पीपल। हम ऐसी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं बच्चों, तो हमें हमारी कंट्री के बारे में और उसके लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और हमारी कंट्री के बारे में हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसी जगह जब हम ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं तो हमें इस तरह की जानकारी मिलती है। फोर नंबर, नेम फ्यू हिस्टोरिकल प्लेसेस इन योर नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जगह है उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा है बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव आर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन योर नेबरहुड, हमारे आसपास की ये सारी ऐतिहासिक जगह है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 6, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में सीखा था और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी सीखा था, उसमें भी हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके लिए आप सबको पेज नंबर 39 ओपन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, व्हाट आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, परिवहन के साधन क्या है, उसमें क्या आंसर आएगा, द व्हीकल्स दैट वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों हम जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी कि उसे परिवहन का साधन कहते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, वॉट आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के तरीके कौन कौन से हैं। बच्चों आगे हमने सीखा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के साधन के बारे में सीखा कि कौन कौन से साधन होते हैं, अब हम सीखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के तरीके के, किस तरह के परिवहन के तरीके होते हैं, जैसे कि रोडवे, रेलवे, वाटरवे, उस तरह के, उसे कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द वे ऑन विच द व्हीकल्स रन आर कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों जहाँ पे व्हीकल्स रन यानी कि चलते हैं उसे कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हम एक जगह से दूसरी जगह जो भी व्हीकल में जाते हैं उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। बच्चों कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्था, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। बच्चों सेंडिंग यानी कि भेजना और रिसीव यानी कि हमें मिलना, हमें भेजना और मिलते हुए जो मैसेज होते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन की तरफ से, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश यानी कि मैसेज भेजना और प्राप्त यानी कि हमें मिलना, उसे कम्युनिकेशन यानी कि संचार कहते हैं। तो बच्चों हमने इस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लिया, अब हम नेक्स्ट लेसन का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है लेसन नंबर 7, फूड। बच्चों फूड में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड के बारे में सीखे थे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए आप सबको पेज नंबर 45 ओपन करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड फूड। बच्चों हमें फूड किसके लिए ज़रूरी होता है, वी नीड फूड टू लीव एंड ग्रो यानी कि हमें जीने के लिए, और ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। टू नंबर, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम। बच्चों फूड हमें कहाँ से मिलता है, हमने लेसन में पढ़ा था ना कि फ्रूट हमें प्लांट्स यानी कि पौधे में से मिलता है और एनिमल्स में से भी मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से फूड मिलता है। थ्री नंबर क्या है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि हमारे बॉडी को अच्छी तरह से बिल्ड यानी कि बनाता है, कौन कौन तरह किस तरह के फूड बनाता है। बच्चों मिल्क, एग्स, पल्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। मिल्क यानी कि दूध, एग्स यानी कि अंडे, और पल्सेस यानी कि कठोर दाल वगैरह, ये सारे जो फूड आइटम्स है वो हमारे बॉडी को बिल्ड यानी कि बहुत अच्छी तरह से बनाता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फोर नंबर, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड। बच्चों एनर्जी गिविंग फूड में कौन से फूड आइटम्स आते हैं यानी कि हमारे बॉडी को कौन से फूड आइटम एनर्जी देते हैं, फूड लाइक राइस, बटर, पोटैटो, शुगर एंड ब्रेड गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये सारे जो फूड्स हैं वो हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और पूरे दिन हम काम कर सकते हैं।
तो कौन कौन से फूड है? राइस यानी कि चावल, बटर, पोटैटो, शुगर और ब्रेड, ये सारे जो फूड है वो एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि वो हमें एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस, गिव एग्जांपल्स, यानी कि ऐसे कौन से टाइप के फूड है जो हमें बीमारी से बचाते हैं। बच्चों आगे हमने जो 3 फूड टाइप सीखे थे कौन कौन से थे? ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस। देखो पेज नंबर 43 पे हमने सीखा था एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स, ये तीनों टाइप के जो फूड है वो हमें इलनेस यानी कि हमें बीमारी से बचाता है। बच्चों तो यहाँ पे भी हमने आंसर वही लिखा है कि तीनों टाइप के जो फूड है वो हमें इलनेस यानी कि बीमारी से बचाता है। एग्जाम्पल पोटैटो, मिल्क, फ्रूट्स, ये सारे जो फूड है वो हमें बीमारी से बचाता है। 6 नंबर, वाई शुड वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हमें हर रोज़ प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी क्यों पीना चाहिए, वो हमें किस लिए हेल्पफुल है? वाटर इन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज इट हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट, हमें डाइजेस्टिंग यानी कि पाचन, हमें जो हम जो फूड खाते हैं वो हम पाचन करने के लिए वाटर बहुत ही हेल्पफुल है। Hence, we should drink plenty of water every day. इसीलिए हमें हर रोज़ बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बच्चों आप सब लोग अगर कम पानी पीते हो तो आप सब लोग भी ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देना, वो हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे, चेक करेंगे। बच्चों लेसन नंबर 8 वाटर है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसलिए हम आते हैं लेसन नंबर 9 एयर में। एयर में क्वेश्चन आंसर हमें दिए हैं, उसके लिए आप सबको पेज नंबर 56 ओपन करना है। वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज विंड, यानी कि पवन किसे कहते हैं? बच्चों मूविंग एयर दैट ब्लोज इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड विंड। बच्चों जो पवन यानी कि होता है वो एक समय में एक ही दिशा में बहता हो उसे विंड यानी कि पवन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रीज, ब्रीज किसे कहते हैं? बच्चों व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज, जो धीरे धीरे बहती हवा हो उसे हम ब्रीज कहते हैं। ब्लोज जेंटली यानी कि वो धीरे धीरे बहती है। हाउ इज अ स्टॉर्म हार्मफुल, स्टॉर्म यानी कि तूफान, तूफान हमारे लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानकारक किस तरह से हो सकता है? बच्चों स्टॉर्म इज अ स्ट्रॉन्ग विंड विच इज वेरी हार्मफुल एज इट अपरूट्स ट्रीज एंड पोल्स एवरी वेयर। बच्चों ये जो तूफान होता है वो तेज हवा होती है, उससे जो अपरूट्स यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती है वो उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उसे तूफान कहते हैं, वो इसलिए हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तूफान है वो तेज़ हवा होती है जो पेड़ और डंडे को हर जगह उखाड़ देती है और फिर फेंक देती है, और उससे बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है। आप सबने भी तूफान देखा होगा, उसमें ट्रीज वगैरह नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी टू यूज ऑफ एयर, बच्चों एयर हमें किस लिए यूजफुल है? फर्स्ट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ब्रीथ यानी कि हमें श्वास लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। आप सबको पता है कि हम कौन से, हम लोग सब श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं तो वो भी एयर से हमें मिलता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सबको एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। दूसरा यूज़ यहाँ पर कौन सा लिखा है मैंने? मूविंग एयर इनेबल्स अस टू सेल बोट्स एंड शिप, मूविंग एयर यानी कि जो चलती हुई हवा है वो सेल बोट और शिप के लिए यूजफुल है, उसे वाटर में चलने के लिए उसे भी एयर की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर जो है क्लोथिंग, उसके लिए आप सबको पेज नंबर 61 ओपन करना है। उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लोथ्स यानी कि कपड़े हमें किससे बचाते हैं? प्रोटेक्ट यानी कि बचाना, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, विंड एंड रेन। बच्चों हमें क्लोथ्स क्यों किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं? देखो कोल्ड यानी कि ठंड से, हीट यानी कि गर्म से,
विंड यानी कि जब बहुत ज़्यादा पवन हो उससे, और रेन यानी कि बारिश में से, तो कपड़े हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है। आप जबको ठंड लगे तब आप वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं, आप सबको गर्म लगे तब आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, और रेन यानी कि जब बारिश हो तब हम रेनकोट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये क्लोथ्स है वो हमें इन सारी चीज़ से बचाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, वॉट इज आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि कृत्रिम फाइबर क्या कहते हैं उसे। द फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक इन द लेबोरेटरी आर कोल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। बच्चों जो भी फाइबर हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उसे आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको नीचे दिए हैं, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, टायरेलिन, ये सारे जो फाइबर है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और नेचुरल फाइबर है वो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स वगैरह में से, प्लांट्स और एनिमल्स में से। 3 नंबर है, व्हाई एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट नीड क्लोथ्स। बच्चों एनिमल्स और बर्ड्स को क्लोथ की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? देखो हमें तो क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने में हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, कोल्ड, हीट, विंड और रेन में। लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स को क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव थिक स्किन, फर एंड फेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हीट, विंड एंड रेन, सो दे डू नॉट नीड क्लोथ्स। बच्चों एनिमल्स और बर्ड्स है उसमें कुछ एनिमल्स की स्किन बहुत थिक यानी कि मोटी होती है, किसके फर होते हैं और किसी के फेदर यानी कि जो फेदर यानी कि पीछे होते हैं वो सब होते हैं, तो उससे उस सबको प्रोटेक्ट मिल जाता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट मिल जाता है? ठंड, गर्म, पवन और बारिश से उस सबको इससे प्रोटेक्ट मिल जाता है। इसीलिए उस सबको ये जो एनिमल्स और बर्ड्स है उसे क्लोथ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ के जो स्किन होते हैं वो बहुत मोटी यानी कि थिक होती है, इसके फर और फेदर होते हैं उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो एनिमल्स और बर्ड को इसलिए क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों आज हमने इस बुक में लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक जो भी क्वेश्चन आंसर आते थे उसका रिवीजन कर लिया है। आप सबको भी ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से लर्न करने।